नमस्कार, लीला की किचन में आपका स्वागत है। आज राजमा की सब्जी बता रही हूँ। ये राजमा मैंने रात को भिगो दिए थे, सवेरे इसकी मैंने सीटी ले ली है। ये देखिए, राजमा अच्छे सीझ गए हैं। इसमें मैंने दो टमाटर पीस के लिए हैं, सात आठ कलियाँ लहसुन की, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, दो हरी मिर्ची और लहसुन, ये सब मैंने पीस के ले लिए हैं। और मक्खन ऊपर से डालूंगी। ये बड़ा चम्मच मैंने तेल का डाला है। तेल अच्छा गरम हो गया है। ये मैंने आधा चम्मच जीरा डाला है। और ये जो पेस्ट मैंने पीसा हुआ था ये डाला है। ये प्याज लहसुन का पेस्ट देखिए अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें टमाटर की ग्रेवी डाल रही हूँ और टमाटर के साथ ही मैं इसमें मसाला डालूंगी। ये टेबल स्पून मैंने एक लाल मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डालना है, नमक डाला है। ये लाल मिर्ची नमक ये आप स्वाद अनुसार डालें, जैसे राजमा में मसाला अच्छा चाहिए। ये मसाला अच्छे से पक गया है, इसने तेल छोड़ दिया है, तब मैंने राजमा डाले हैं। यदि आपको राजमा सूखे पसंद हो तो ये बनके तैयार है। और हल्का सा रसा चाहिए तो ये मैंने पानी डाला है। देखिए सब्जी तैयार हो गई। लास्ट में मैंने ये इतना सा गरम मसाला डाला है और एक चम्मच मक्खन डाला है। मक्खन डालने के बाद मैंने इसको अच्छा मिक्स कर लिया है और हमारी सब्जी बनके तैयार है। तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा सा मक्खन और डाला है और ये धनिया डाला है। आप आराम से गर्मा गर्म खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।